हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। और आज ना ठंड बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। और अभी समथिंग 7-1 बज रहे हैं, आप देख सकते हो सूरज भी निकला हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं नागपुर राइड में, और अभी हमारा ग्रुप आने वाला है। अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं दीदी के साथ बैठ के जाऊँगा, और हम वहाँ पर एक दिन का ट्रिप जा रहे हैं, एक दिन वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद हम रिपीट वापस आ जाएंगे। और अभी मेरे पास बैग है, बैग में पूरा सामान वान रखा हुआ है, और मैंने हेलमेट भी रख के रखा हुआ एक। अभी मैंने हेलमेट रख के रखा हुआ, ये एक्जोर का हेलमेट है, और सेफ राइड के लिए ये मैंने रख के रखा हुआ है। और आगे की छोटी छोटी क्लिप मैं आपको बताता रहूँगा नागपुर की और रास्ते की भी, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या होता है। हमारे राइडर आ गए, गाइस अभी हमारे पास 7 बाइक हैं, और 8वीं बाइक है ना, हमें बैतूल के पास मिलेगी, NS 200 मिलेगी वहाँ से। और हमारा वहाँ से जो हमारे फ्रेंड है वो चलेंगे हमारे साथ नागपुर, और नागपुर में हमारे ऑफ रोडिंग होगी। तो अभी और आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम निकल रहे हैं मंडीदीप से, और मंडीदीप से निकलने के बाद सीधे अब्दुलगंज रुकेंगे, और अब्दुलगंज हम पहुंच गए हैं क्योंकि हम सुबह सुबह निकले थे और हमने कुछ खाया नहीं था। तो अभी हम वहाँ पे कुछ खाएंगे अब्दुलगंज में, और यहाँ के रसगुल्ले खाएंगे क्योंकि यहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। तो अभी हम रसगुल्ले खा के यहाँ से समोसे समोसे थोड़ा बहुत चाय वाय पी के हम यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। अब्दुलगंज में हम रुके थे नाश्ते के लिए, हम यहाँ नाश्ता कंप्लीट हुआ, बैतूल में डायरेक्ट रुकेंगे यहाँ से, हम निकलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं होशंगाबाद, ये होशंगाबाद नदी का क्लिप है, ये हमारे बैतूल घाटी का मंदिर है, और यहाँ पे हम पूजा करेंगे उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। गाइस ये हमने बैतूल जोड़ में थोड़ा सा डांस किया है, एंजॉय किया है, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं। गाइस आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और मुझे यहाँ रुकने का थोड़ा मन था कि समथिंग 10-1 मिनट यहाँ रुकूँ और फ़ोटो लूँ और वीडियो बनाऊँ यहाँ का, लेकिन हमारे राइडर पूरे थे, वो आगे भागे जा रहे थे, तो उनके चक्कर में मेरे को भी जाना पड़ा आगे, क्योंकि मुझे रुकने का बहुत ज़्यादा मन था यहाँ पर, क्योंकि मैं आप देख ही सकते हो इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि मेरा लफ्ज ही नहीं आ रहा मेरे जबान पर कि भाई ऐसा भी रास्ते में ऐसी चीज़ मिलेगी। मुझे कहीं से उम्मीद नहीं लगती थी कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी, बस मुझे लगा कि मेरे को राइड करते जाना बस हो गया, कहीं रुकने का नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे को इतना अच्छा व्यू मिला ना, मुझे बहुत प्यारा लगा मुझे राइड करना, आप देख ही सकते हो। और आगे का आपको दिखा रहा हूँ मैं, बादलों को देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इस टाइम ना शाम हो गई थी, समथिंग बज गए थे 4:30 हो गए थे यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर व्यू कितना प्यारा लग रहा है। गाइस मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था राइड करने में, और व्यू मुझे इतना अच्छा मिल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्यार हो गया भाई नेचर से, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, इतना ज़्यादा प्यार हुआ पर पूछो मत, ऐसा लगा रुक जाओ यहाँ पे थोड़ी देर रुके रहूँ और इसका व्यू लूँ। लेकिन एक चीज़ है, हमें जल्दी पहुँचना था नागपुर, हम कहीं भी ज़्यादा रुके नहीं, हम चलते गए बस, हम खाना खाने रुके जहाँ पर रुके और वहीं पर हमारा ज़्यादा टाइम निकल गया, नहीं तो हम कंटिन्यू चले जा रहे थे, हम रुक नहीं रहे थे। और आप दिखाऊँगा मैं आपको अभी कितना टाइम लगने वाला हमें पहुँचने में वहाँ पर। यहाँ पे आप बोल सकते हो इतना चूतिया ड्राइवर था, मैं क्या ही बोलूँ उसको, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे अपनी लाइन पे चल रहा हूँ, देखो वो साइड से आ रहा है मेरी लाइन में डाल रहा है, और मैं देख रहा हूँ उसके साइड, तो फिर अपनी लाइन में डाल के आप निकल रहा है सीधे। मैं इसको बोलूँगा महान चूतिया ड्राइवर है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई ये लाइन बनी हुई है और आपको इस लाइन के अंदर जाना चाहिए ना, आपको अभी हमारी लाइन में क्या कर रहा है भाई आके। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे रहे, पानी वानी पिए हैं और कुरकुरे मुरकुरे रखे हुए तो वो खाया है, और उसके बाद फिर हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि हम कंटिन्यू चले जा रहे हैं और हमें थकान होने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो हम आधा घंटा रुके थे यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद फिर हम कहीं नहीं रुके, और फिर उसके बाद हमने एक जगह रुके हैं, वहाँ पे हमें हमारा फ्रेंड मिला था, तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहा था,
तो हमें देखा, उसने फ़ोन लगाया, हम वहाँ से रिपीट मुड़ के वापस आए और उससे मिले हैं। और उससे मिलने जैसे ही मिले हैं, वहाँ से बच्चे लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उनने वीडियो बनाया, हमारे बाइकों का वीडियो बनाया, हमारे साथ फ़ोटो लिए, हमारे साथ सेल्फी लिए। और हमें इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। वहाँ रुके रहे हम, आधा घंटा रुके रहे, और हमें इतना ज़्यादा प्यार मिला उन बच्चों से कि पूछो मत। और कई लोग ये बोलते हैं कि ये इतने लोग जुड़ जाते हैं उनके बाइक के पास इकट्ठा हो जाते हैं, और कई लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें देख के हमारी गाड़ी रुकवा लिए हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद अपना थंबनेल में लगाते हैं कि ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे। और देखो हमारे सब्सक्राइबर सब जगह फैले हुए हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे, तो हमें देख के उन्होंने हमें देखा और वहाँ से आ गए वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। आप ही देख रहे हो, ये पूरा हाईवे है और पूरा हाईवे की पूरी क्लिप आएगी, वीडियो आएगी और आप बोर हो जाओगे। तो मैं इसको स्किप कर करके आपको दिखाऊंगा और छोटे छोटे मोमेंट आपको दिखाता रहूंगा। वीडियो सुबह से लेकर शाम तक का है, तो मुझे उसमें बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ी हैं। जो जो मैं उसमें ला पाया हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती और आप इतनी बड़ी वीडियो देख नहीं पाते, इसलिए मैंने वीडियो को कट करके क्लिप छोटी छोटी क्लिप लाया हूँ। तो आप देखिए नागपुर का ट्रिप और इन्जॉय करिए। गाइस हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, हम रुके हैं ढाबा में, यहाँ पे हमने खाना खाया, फिर हम यहाँ से निकलेंगे खाना खा के। अभी हम भी खाने के रुके हुए हैं, काफ़ी लंबा हमने जर्नी करी है, समथिंग 300 हमने गाड़ी चलाई है। अब भूख लग रही बहुत तेज़ और थकान भी बहुत तेज है, तो अभी हम खाना खाने रुके हुए हैं और यहाँ से नागपुर समथिंग 102 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये हम हाईवे के साइड में आए हुए, नागपुर रोड है, नागपुर की रोड जाता है। और अभी खाना खाने यहाँ पे रुके हुए हैं, इसके बाद भी खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, तो वो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ से हम निकलते हैं। इनको मिल गए इनके हिसाब की रोड, ऑफ रोडिंग। ये बीच का पुल टूटा हुआ है, यहाँ से हाँ, फिर इधर डाल देना। गाइस हमने देखा कि पुल टूटा हुआ था, तो हम उसी के लिए, जो पुल टूट गया था तो हम साइड से एक रास्ता गया हुआ था, तो हम उसी में हल्का सा ऑफ रोडिंग किए और उसके बाद हम सीधे निकल गए सीधे नागपुर के लिए। नागपुर के साइड में मान चलो नागपुर से 80 किलोमीटर दूर था वो, तो हम एक गांव में घुसे हैं और वहां से हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग गया है। हाँ सबस दीदी आप नेचर के लुप्त उठाइए और आप देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हो क्योंकि इतना अच्छा व्यू बहुत मुश्किल से मिलता है, और हमें राइड करने में ये चीज़ मिली है, हमें तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ देखने को मिली है। गाइस समय आते आते अभी रात हो गई है, अब पहुँच गए हम नागपुर में। ऑफ रोडिंग वाला ये ट्रैक है जो अभी बन रहा है, और कल देखना क्या मज़ा आएगा ऑफ रोडिंग में। अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, और हमारी गाड़ी की ये लाइनअप हो गए हैं, और हमारी गाड़ी का ये ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक, ये देख सकते हो आप, ये ऑफ रोडिंग के लिए टेक है हमारा ऑफ रोडिंग का। और हम यहाँ पे कल चिल करेंगे, मज़ा आएगा देखना आपको, कल मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। और ये हमारे वहाँ तक देखो पूरा, ये ऑफ रोडिंग के लिए जी देखो, बहुत बढ़िया है ट्रैक और काफ़ी लंबा ट्रैक है, और यहाँ पे मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें आते थे यहाँ पे रात हो गई है नागपुर, और भोपाल से हम चले थे, और अब जाके हम आधे घंटे पहले पहुँचे यहाँ पे। और उसके बाद अभी हम यहीं सोएंगे, ये फार्म हाउस है,
अब यहीं सोएंगे, उसके बाद हम यहाँ से कल या परसों निकलेंगे। अभी आपको और मैं डिटेल में बताऊंगा, कल आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगा। ये हमारी गाड़ी लग गई है लाइन अप के लिए, और ये और भी बाइक आई हैं, और कल 70-80 बाइक और आएंगी यहाँ पर राइड के लिए। ये देखो आप, मज़ा आएगा गाइस, कल तो ये मज़ा आएगा देखो। लेकिन चीज़ें नागपुर पहुँचने में बहुत अच्छा लगा, राइड हमारी बहुत अच्छी गई है। Yeah!